बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम जा रहे हैं वीज़ा परमिट के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, जब हवा होती है आपको पता है फिर सर्दी होती है, सर्दियों में। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं, 8:40 की अपॉइंटमेंट है हमारी जाने की, वहाँ पर पहुँचने की। तो वहाँ पर पहुँच के अब मैं आपको बताऊँगा या भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। आपका मेडिकल चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन जो एक फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए, एडमिशन नोटिस आपके पास होना चाहिए, बाकी आपके साथ आपकी एडवाइज़र होनी चाहिए या वो पहुंची होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैं वहाँ पर जाकर डिस्कस करूँगा अगर मुझे याद आ गई। अभी जाते हैं। और सबसे अहम चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो ये है कि रोकड़ा कितना चाहिए, इसके लिए पैसा कितना लगता है। वो है 400 RMB। अगर आपका वीज़ा 1 साल का है तो आपको 400 RMB पे करने होंगे, पाकिस्तानी ऐसा समझिए 8,000 रुपये है, नहीं 16,000 रुपये, ओके। और अगर आपका आपका 2 साल का वीज़ा है तो आपको 800 RMB पे करना होगा। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है, तो ये आपको पे करना होगी और आपके पास कैश में होना चाहिए ये सारी चीज़ें, 400 RMB। तो हमारे पास फ़िलहाल तो कैश में है, जाके देखते हैं कि कैश एक्सेप्टेबल है, यानी सुनने में यही है कि कैश एक्सेप्टेबल है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अफेयर सर्विस सेंटर ऑफ जंगजो हाई टेक जोन। ये बिल्डिंग है, यहाँ से हम वीज़ा परमिट लगता तो यहीं से करवाएंगे। अब लेट्स सी क्या होता है। भाई हमारे साथ जो है पैक हो गया है, स्कैम हो गया है, मुर्शिद हमारे साथ धोखा हुआ है। तो हम आए थे परमिट के लिए, हमारे एडवाइज़र ने मैसेज किया कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कल है, तो हम देखते हैं कि कल वापसी आएंगे। दोबारा इसी ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ से ताल्लुक़ टूटा था वहीं से शुरू होगा, दोबारा नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, वो जो हमने ब्लॉग छोड़ा था कल वाला, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीज़ा परमिट के लिए दोबारा जा रहे हैं, यहाँ पे ठंड है और बारिश भी आई हुई, अभी भी आ रही है, ये हालत आप चेक कर सकते हैं। अभी हम छाता वगैरह लेते हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। अपॉइंटमेंट हम उस दिन 8 बजे की थी सुबह की, आज जो है 1 बजे की है, अभी 12 बज रहे हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट जाते जाते हमें घंटा हो जाएगा। तो वहीं पर जाके मिलते हैं भैया। तो भाई सेफ साइड छाते ले लिए हैं हमने, अभी टैक्सी वगैरह ढूंढते हैं और पहुंचते हैं अपनी मंजिल मकसूद पे, जहाँ पे हमने वीज़ा परमिट के लिए अप्लाई करना है, कल जहाँ पे गए थे याद करो, वहीं पर पहुँचते हैं इंशाल्लाह। तो भाई बारिश वाला माहौल आप देख सकते हैं, VIP माहौल बना हुआ है, बिडू तो आपको नज़ारा कराते जाएंगे भैया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट सेल्फ सर्विस एरिया पे, अभी बारिश दोबारा शुरू हो गई है और ओले भी पड़ रहे हैं, ओले 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 वो वाला सीन हुआ पड़ा है। अभी देखते हैं, अभी हमारी एडवाइज़र आनी थी, वो भी आ चुकी होगी, बस मतलब ओले ओले फ़िलहाल ओले ओले कह सकते हैं, स्नोफॉल शुरू हो गई है अभी, अल्लाह खैर करे। तो भाई देख रहे हैं आप, ये स्नोफॉलिंग है, ये आज शुरू हुई ही है, ठीक है, और देखते हैं कि कितने दिन तक चलती है। बड़ी ज़बरदस्त बड़ा वो माहौल बना हुआ है, ये बारिश नहीं आ रही भाई, ये स्नो फॉलिंग है आंखों के सामने पहली मर्तबा। हाउदा। तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नो फॉल चल रही है, अभी हम वीज़ा परमिट के लिए जो है वो करा के आ चुके हैं और क्या कहते हैं, स्नो फॉल अच्छी खासी हो रही है, मार्च में हो रही है, आज तारीख है 16 मार्च। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये जो है स्नो फॉल देख रहा हूँ, पहली मर्तबा। ओके, मिलते हैं फिर। तो भाई अभी स्नोफॉल हो रही है और जो है हम मज़े में। तो भाई बर्फ़बारी हो रही है और ये सीन चल रहा है, हाउदा फांगियो। तो भाई ये रात का व्यू है और बर्फ़बारी जो है हो चुकी है, अब रुक चुकी है, क्या कहते हैं उसे, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है इन्वायरमेंट, मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है सर, क्या ही बात।